बहुत कठिन समय के बाद हम लोग वापस मिले हैं। इतने सारे लोग, सही में एक समय ऐसा बिल्कुल ही दिल बैठ गया था, मुझे लगा ही नहीं था कि हम लोग मिल पाएंगे क्योंकि कोविड का सिचुएशन वॉज़ वेरी बैड। बट कुडोज़ टू मिर्ची दैट दे आर पुलिंग इट ऑफ रियली रियली वेल, एंड आई गॉट टू सी सो मेनी ऑफ माई फेलो इंडस्ट्री पीपल हियर आफ्टर सो मेनी डेज, मतलब साल भर हो गए हैं। और आई रियली लुक अप टू मिर्ची एवरी ईयर, दैट इट्स लाइक अ गेट टुगेदर एवरी ईयर। और इस साल वापस हम लोग मिल पाए हैं, भले ही थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क के साथ, बट फिर भी हम मिले हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और दिस इवनिंग वॉज अबाउट द बेस्ट ऑफ द डिकेड। सो लास्ट 10 साल में जितने लोगों ने काम किया है उन्हीं को सम्मानित करने के लिए ये शाम थी। और इट्स फन, लेजेंड्स आर गेटिंग अवार्ड्स एंड यू गेट टू सी इट, यू गेट टू एक्सपीरियंस इट, इज द बेस्ट। जी, माई एसोसिएशन विद मिर्ची इज़ बिन देयर फॉर माई फर्स्ट एवर प्लेबैक सॉन्ग, नॉट फर्स्ट एवर पॉपुलर प्लेबैक सॉन्ग इन राजनीति। आई गॉट नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट अपकमिंग प्लेबैक सिंगर। एवर सिंस आई हैव बीन गेटिंग नॉमिनेशन। दिस ईयर द सॉन्ग आई सैंग इन 2015 गेरुआ वॉज ऑल्सो नॉमिनेटेड फॉर top songs in last 10 years, so that's a very achieving type moment, and I'm also performing, so that's all. देखिए म्यूजिक फ्रेटर्निटी के लोगों के पास सिर्फ म्यूजिक अवार्ड बहुत कम है, और मिर्ची सिर्फ म्यूजिक को सम्मानित करता है। हमारे इंडस्ट्री में म्यूज़िक इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, और इसको हम बिल्कुल मतलब नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और उसके हिसाब से मिर्ची ने सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक को बेस करके, जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे इंडस्ट्री का, फिल्म्स का, बेसिकली इंडियंस के ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है म्यूज़िक, उसको हम लोग बिल्कुल ही नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और उसी चीज़ को मिर्ची सम्मानित करता है। सो इट्स अ वेरी बिग डील। देखिए, ये साल तो अभी तक कोई भी फिल्म अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है, इसमें अवार्ड सॉरी रिलीज़ नहीं हुआ है अपना बड़े पर्दे पे अभी तक, बट जैसे बड़े पर्दे पे फिल्में रिलीज़ होनी शुरू होंगी, सो स्लोली आई एम श्योर दैट वर्क विल स्टार्ट कमिंग अप। थैंक यू। हाँ जी, चेहरे प्लीज, तुम्हारा ही नाम चेहरे होने वाला है। हार्दिक तू पण लेतो जाना फोटो मेरे पास है ना गाले। तो ये कौन सा चेहरा है आज का? पहले तो ये था।
आज का चेहरा बहुत ही कलरफुल है, बहुत ही वाइब्रेंट है और बहुत ही गर्मा गर्म है, मिर्चीदार है, और इन सब एडजेक्टिव्स के लिए हमें ना नहीं सुनना जी, क्योंकि आज मूड वही है, वाइब वही है और गाना वही चलेगा। जी ओ माय गॉड, इनका चेहरा किसको नहीं पसंद है वो बताइए ना बॉस। और प्लस ये हमारे गाने में जैसी लगी है, आप जाके देखिए यूट्यूब पे, गाने का नाम है ना नहीं सुनना, स्वाइप अप कीजिए और बताइए आपको कृष्ण का चेहरा कैसा लगा। ना नहीं सुनना, बहुत ही बढ़िया एसोसिएशन था, बहुत सारे स्टार्स अंदर है, बहुत सारे सिंगर्स है जिनके गाने पे हम घर पे डांस करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, उनको थिरकते हैं। उनको सामने देखने का मौका, उनको लाइव सुनने का मौका मिला, तो आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल द वाइब इनसाइड। एंड हमने भी जाके हमने थोड़ा सा अपना गाना प्रमोट किया, ना नहीं सुनना। जिगर जो सिंगर है, अब डांसर भी है और एक्टर भी है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हमने परफॉर्म किया हमारा गाना, हम सोनू जी और भारती जी के साथ हमने हमारा गाना परफॉर्म किया है और ये हमारा इंडिपेंडेंट गाना है, तो हम बहुत एक्साइटेड है। प्लस सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है दैट मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स इज बैक और यू कांट वेट फॉर इट टू कम ऑन एयर। मैम, हम आपसे जानना चाहते हैं किस तरह का गाना अच्छा सुनने में अच्छा लगता है। मुझे ना नहीं सुनना जी बहुत बहुत पसंद है। आवर सॉन्ग इज अ वेरी हैप्पी मूड, लास्ट पूरा ईयर बहुत डल गया है, तो वी नीडेड अ सॉन्ग दैट वाज अ लिटिल मोर कलरफुल, वाइब्रेंट एंड हैप्पी। तो अगर आप देखोगे भी तो बहुत ही हैप्पी गाना है और सुनोगे भी विदाउट विजुअल्स तो भी बहुत ही हैप्पी गाना है, तो प्लीज़ सुनिए। तो मेरा था कि ना नहीं, कौन कौन सी ऐसी बातें होती जब इसको ना सुनना बिल्कुल पसंद है? इसको आप खाने से रोक दो, बोलेगी मैं ना नहीं सुनना जी, तो वो खाने का बहुत शौक है। वर्कआउट करने बोलो तो मैं ना नहीं सुनना जी। बिल्कुल, आप उनको बोलो कि आप ये कलर मत पहनो, तो पहले बोलेगी नहीं मैं यही पहनूंगी, मैं ना नहीं सुनना। थोड़ा सा लाइट कलर पहन के आना, देखो मैं क्या पहन के आई। जी तो सर, अगर आप बता सके कि इस चेहरे के साथ में काम करने का कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। और ये चेहरा जैसा है वैसा ही रियल लाइफ में, ये बहुत ही हैप्पी ऑनेस्ट चेहरा है, तो इस चेहरे के ऊपर कोई नकाब नहीं है, ये बिल्कुल ऑनेस्ट है। प्लीज मेरी फिल्म चेहरे भी देखने जाइएगा। मुझे ना समझ नहीं आता कॉम्प्लीमेंट्स कैसे लेते हैं, मैं थोड़ी सी अजीब हो जाती हूँ। बस ये एक ही बार है जो इसने एक नया चेहरा दिखाया है, बिल्कुल आता है। मैं थोड़ा सा पता नहीं ऑकवर्ड हो जाती हूँ कॉम्प्लीमेंट्स के लिए, बट दे आर ऑलवेज अप्रिशिएटेड, आई लव व्हेन आई एम बीइंग कॉम्प्लीमेंटेड। सी, यही हो जाता है। बट गाइज, थैंक यू फॉर लविंग माई चेहरा एंड प्लीज वॉच चेहरे ऑन 9th of April इन द थिएटर्स नियर यू। बिल्कुल, कम ऑन लेट्स डू दिस। वो एंड का नानी सुनना आपको जी। ओ द नचने द दिल करे जब तक, नच दी रहे वो नाल मेरे जब तक, तू बजाए जा वे तब तक, ए तब तक मैं ना नहीं सुनना जी। आ जाओ एंड ट्विस्ट इट, आ जाओ जानू, आ जाओ एंड यू नो व्हाट, मैं ना नहीं सुनना जी। क्या बात है, जल्दी हम आपको ऐसा सुनेंगे। गाते हुए, गाते बिल्कुल सिंगिंग के दुनिया की सुपरस्टार बनने वाली है क्रिस्टल। बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गाइस।
आपके बारे में बताइए, कैसी थी अंदर आज की शाम? आज की शाम बहुत ही लाजवाब थी, लाजवाब है एक्चुअली. आई वाज जस्ट इनसाइड, मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ बाहर. और बहुत अमेजिंग डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स हो रहे हैं एंड मेरा भी एक एक्ट है एंड जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू द होल थिंग. मैं सब बताना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ लोग टीवी पे जाके आई थिंक जब आएगा तो देखो. बता दीजिए कि परफॉर्मेंस थी आपके अंदर की, आप आज नॉमिनेटेड? नहीं, आज परफॉर्मेंस है एंड एंड सब जो लोग नॉमिनेटेड हैं उनके लिए ताली बजाने के लिए आए. आई थिंक बहुत सी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब एक अवार्ड मिलता है तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि हमें आगे भी इतनी ही मेहनत करनी है, उससे ज़्यादा मेहनत करनी है. एंड एक जिसे कहते हैं एक अटैचमेंट हो जाता है एक चीज़ से. सो आई थिंक अवार्ड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं बिकॉज एक इंसान जो बहुत, एक आर्टिस्ट जो बहुत, एक सिंगर ही नहीं, म्यूजिशियन, एक यू नो फोटोग्राफर, एक मतलब जितने भी आर्टिस्ट हैं दुनिया में, उनके लिए एक दे लुक फॉरवर्ड टू सम अचीवमेंट की यू नो. एक्चुअली समथिंग नहीं, बहुत सारे अमेजिंग अमेजिंग गाने निकल के आ रहे हैं. नेक्स्ट गाना नेक्स्ट वीक निकल रहा है एंड आई थिंक उसके बाद हर महीने कुछ ना कुछ चल रहा है. एक्चुअली बहुत नया ही नहीं आने वाला, एक नया स्टाइल भी आने वाला है बिकॉज आज तक मुझे एक सेट जॉनर के गाने मिलते थे. अब विद गॉड्स ग्रेस बहुत से जो सीनियर डायरेक्टर्स हैं उन्होंने मुझे चांस दी है कुछ अलग से गाने गाने में, गायकी में. सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि दुनिया मेरी आवाज़ उस तरीके से भी सुने. आई थिंक इट्स अमेजिंग, कुछ जो चीज़ आपको छू जाए वो टैलेंट है. ज़रूरी नहीं है कि गाना ही टैलेंट है, बोलना टैलेंट है, बुलवाना टैलेंट है, उसको मिक्स करना टैलेंट है, सो उसको सामने पेश करना टैलेंट है. ये मैं वो हमेशा पहनती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हर चीज़ एक गिफ्ट है, सो इट रिमाइंड्स मी. सो ये मैं ऑलमोस्ट हर समय पहनती हूँ. सो एक्चुअली आई थिंक जब आप मुझे लगता है कि अगर आप एक कलर पहने हैं तो उसमें ब्लॉक कलर होना बहुत ज़रूरी है. अगर मैं ब्लैक शूज़ पहनती तो सेम हो जाता. आई थिंक ब्राइट ग्रीन से एक एज आ गई, एक कलर आ गया एंड आई एम एन आर्टिस्ट. मुझे अच्छा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग डालती हूँ. एक्चुअली नियॉन इज़ माई फेवरेट. मैं ब्लैक तो बहुत पहनती हूँ बट कलर्स भी मुझे बहुत पसंद है. थैंक यू, थैंक यू जी. वेल एक्चुअली आई थिंक ये एक ऐसी एक ऐसा वायरस है जो हमारे साथ ज़िंदगी भर रहेगा. तो हमें ऑब्वियसली अगर वैक्सीन लेंगे तो एक हाई परसेंटेज है कि हमें इससे प्रॉब्लम नहीं होगी. एंड बट ऑब्वियसली मास्क पहनना एक नई आदत सी हो गई है. मुझे लगता है दैट अब मास्क के बिना, जब पैंडेमिक नहीं भी हो तो भी मुझे मास्क पहनना बस बहुत पसंद है बिकॉज एक आप इट्स वेरी क्लीन एंड इट्स मच बेटर टू बी सेफ देन सॉरी. सो आई थिंक प्रिकॉशंस बिल्कुल लेने चाहिए. ऑफकोर्स हम सबको अपने काम पर जाना बहुत ज़रूरी है, जो हम सब आज अपने अपने कामों पर आए हैं, बट प्रिकॉशन लेना भी बहुत ज़रूरी है. जी ऑफकोर्स. मुझे लगता है कि उसको एक इतनी एक टाबू की तरह या एक इतना डर नहीं फैलाना चाहिए किसी को. एक वायरस है और हर इंसान को डिफरेंट तरीके से छूता है. इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी हमें पिछले साल ने ये सिखाया कि हमें अपनी बॉडी को, अपने ऑर्गन्स को, अपनी ब्रीदिंग को बहुत प्रॉपरली हमें रखना है, हमें अपनी अपने आप को संभाल के रखना है और स्ट्रॉन्ग रखना है. तो हमें ये वायरस छुएगा नहीं. आज की शाम अगर आप ऐसा गाना जो आपके फैंस के लिए जो आपका फेवरेट हो, अगर आप गुनगुना सकें, जो हमेशा ऑल टाइम आपका फेवरेट हो. वेल
कल मैंने अपना एक जो गाना अभी निकाला है जुगनी, जो मुझे लगता है कि मेरे पूरे साल को की समरी एक साथ उस गाने में है। जुगनी थार काई विच थार छड दुनिया दे जंजाल, कुछ नहीं निभना बंदिया नाल। एंड इस गाने का मतलब है कि अंत में आपको, इट इज़ बिटवीन यू एंड गॉड, आपके और भगवान के बीच में ही है सब कुछ। सो आई सिंग दैट फॉर यू। जुगनी तार खाई विच थाल छड दुनिया दे जंजाल, कुछ नी निभना बंदिया हनाल, रखी साबत सिद्ध द अमाल, वो पीर मेरे आ जुगनी जी ए वे अल्लाह वाले आ दी, जुगनी जी ए वी नबी पीर दी, जुगनी ए वे मौला अली वाली, जुगनी जी ए वी नबी पीर दी, जुगनी जी। थैंक यू। एब्सोल्युटली प्लीज। अब नेक्स्ट वीक मेरा नया गाना आ रहा है, उसके बाद अगले महीने फिर नया गाना आ रहा है, सो अब आपने जो कहा है वो मैं ज़रूर सुनूंगी। एंड प्लीज सपोर्टिंग द म्यूज़िक। थैंक यू। भी ना होना क्या बात। यही से स्टार्ट करेंगे अगर आप। हाँ हाँ, कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ब्यूटीफुल। क्या पूछना चाहते हैं आप, पूछिए ना। म्यूजिक अवार्ड है, बताइए आपकी शाम मौके पे। बहुत अच्छा लग रहा है, दोनों बहनें आज आई हैं। तीखी शाम होने वाली है, मिर्ची की तरह, और म्यूजिकल शाम है, मज़ेदार शाम है, क्योंकि एज आर्टिस्ट हमने लास्ट ईयर से अब तक इतना लंबा गैप रहा कि वापस यहाँ काम करते हुए रेड कार्पेट को देखते हुए एक अच्छी सी बहुत मज़ेदार फीलिंग हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, बेस्ट सॉन्ग ऑफ द डेकेड नॉन फिल्म कैटेगरी में विनर, तो बहुत खुशी हो रही है। और पोस्ट कोविड ऑब्वियसली पहली बार एक ऐसा मौका आ रहा है जब मैं सब पूरी म्यूज़िक फ्रेटर्निटी से मिलने वाली हूँ, सबसे रूबरू होने वाली हूँ, तो बहुत बहुत खुशी का मौका है मेरे लिए। सॉन्ग ऑफ द डेकेड, हाँ साल नहीं, सॉन्ग ऑफ द डेकेड। श्रद्धा जी, आज तो हम अवार्ड लेने आए हैं। आज तो हम बस जीतने आए हैं भाई, परफॉर्मेंस भी होगी लेकिन शायद अगले साल थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। ये एक्चुअली मैंने खुद अपने ख्यालों से बना के, इसको अपने दर्जी को बोल के समझा के इसे खुद बनाया है। कैसा लग रहा है थोड़ा सा हमें बता दीजिए कि ये क्या है? बहुत ही एक्चुअली इट्स अ मॉडर्न काइंड ऑफ साड़ी एंड आई हैव मिक्स्ड एंड मैच्ड इट विद दीज बूट्स, क्योंकि एक नया लुक मैं चाहती थी साड़ी के साथ, कुछ अलग करना चाहिए यूजुअल नहीं। एंड श्वेता इज नाउ मदर to a very very cute daughter, so we are and my lovely niece. तो बस यही है, खुशी है। सबका आशीर्वाद चाहिए मेरे को। पिछले साल एक नन्ही मुन्नी बेटी हुई है, उनका नाम है इजाना। सो आई लव योर ब्लेसिंग्स एंड योर लव फॉर हर, एंड आप सबको प्यार देते रहते हैं, बट यूँ ही और थोड़ा। जो गाने पे मुझे अवार्ड मिल रहा है, जो मैंने लिखा है क्लासिकल है। छीने रे मोरा चैन मृग नैनिया, छीने रे मोरा चैन मृग नैनिया, छीने रे मोरा चैन मृग नैनिया, छीने रे मोरा चैन मृग नैनिया। थैंक यू। इधर भी आए।
थैंक्स। चेहरे प्लीज कम, तुम्हारा ही नाम चेहरे होने वाला है। अजान पीछे जा, मैम को भी पीछे ले। होल्ड 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 होल्ड, 2 सेकंड उधर होल्ड। तो थोड़ा विजुअल कर दो, फिर उसके बाद इधर भी ले ले भाई, इधर ले ले, लेफ्ट। अरुण भाई, आई लव यू भाई, लव यू। तो ये कौन सा चेहरा है आज का, पहले तो ये जानना चाहिए। आज का चेहरा बहुत ही कलरफुल है, बहुत ही वाइब्रेंट है और बहुत ही गर्मा गर्म है, मिर्चीदार है। और इन सब एडजेक्टिव्स के लिए हमें नानी सुनना चाहिए, क्योंकि आज मूड वही है, वाइब वही है और गाना वही चल रहा है। सर मैडम बहुत एक्साइटेड है आज की शाम, तो आप बताइए इनका चेहरा कितना पसंद है आपको। ओह माय गॉड, इनका चेहरा किसको नहीं पसंद है वो बताइए ना बॉस। और प्लस ना ये हमारे गाने में जैसी लगी है, आप जाके देखिए यूट्यूब पे, गाने का नाम है ना नहीं सुनना, स्वाइप अप कीजिए और बताइए आपको किसी का चेहरा कैसा। ना नहीं सुनना पसंद है आपको? ना नहीं सुनना बहुत ही बढ़िया एसोसिएशन था, बहुत सारे स्टार्स अंदर है, बहुत सारे सिंगर्स है, जिनके गाने पे हम घर पे डांस करते रहते, सुनते रहते, उनके रखते हैं, उनको सामने देखने का मौका, उनको लाइव सुनने का मौका मिला। तो आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल द वाइब इनसाइड। एंड हमने भी हमने थोड़ा सा अपना गाना प्रमोट किया, नाने सुना। जिगर जो सिंगर है, अब डांसर भी और एक्टर भी है। बिल्कुल। वही मेरा सवाल था कि ना नहीं सुनना। प्रधान भाई चलो ठीक है।
अरुण 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 आज की शाम बहुत ही लाजवाब